उन्हें दसना है कि जो यीशु मसीह सूली से टंगया जा रहा है तो यीशु मसीह अपने आप नहीं बचा सकया तो फिर तुम दसो भी थोड़ी की राखी करो करते हैं। मैं सुन रहा था एक रेडियो में बोल रहा था कि यीशु मसीह तो मर गया और चिंता नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अभी तेरे लिए डोर खुला हुआ है। बहुत सारे लोग आज बुराई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लेकिन नहीं पता हम अपनी जवानी क्यों दे दी यीशु मसीह को, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ यीशु मसीह का डोर पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है, कोई पैसे के लिए मैं उसके पीछे नहीं आया। कह रहा यीशु मसीह का दिल, मैं कह रहा हूं उसके कर्म अच्छे लग रहे हैं, उसके काम अच्छे लग रहे हैं, उसकी पवित्रता ही में चाल चलन अच्छा लग रहा है। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी पीढ़ियों के लिए डोर खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यार हो क्या नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहा यीशु मसीह को बदनाम करते हैं। मैं सुन रहा था एक वीडियो में बोल रहा था, कह रहा यीशु मसीह तो मर गया और जिंदा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अभी तेरे लिए डोर खुला हुआ है, एक दिन आएगा और तेरे लिए डोर बंद हो जाएगा और फिर वो चिल्लाएगा, वो कहेगा। अभी लोग शायद सोचते हैं जिंदा है, उनको लग रहा है कि अनुग्रह का दरवाजा शायद कोई मजाक का दरवाजा है। जब इंसान मर जाता है उसके बाद उसको पता लगता है कि मैं कहां जाऊंगा, असली डोर के पास जाऊंगा कि नकली डोर के पास जाऊंगा। बहुत सारे लोग आज बुराई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लेकिन नहीं पता हम अपनी जवानी क्यों दे दी यीशु मसीह को, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ यीशु मसीह का डोर पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है, कोई पैसे के लिए मैं उसके पीछे नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं यीशु मसीह पवित्र है, उसके अंदर इतना सभी पाप नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से चेक करो कि जिस धर्म में पाप नहीं है, जिस धर्म में लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिस धर्म में गाली गलौच नहीं है। मैं कह रहा हूं जिस बात में, जिस बंदे के अंदर कह रहा ये बात है, मैं कह रहा हूं उसके लिए स्वर्ग का डोर आज रात खुल रहा है, अनुग्रह का दरवाजा खुल रहा है यीशु के नाम में। आपको बिलीव करना है तो डोर हमेशा एक बंदे के लिए बंद नहीं होता, पूरी पीढ़ी के लिए बंद कर देता है परमेश्वर। कह रहे ये बंद हो चुका था पीढ़ी से, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने इस दरवाजे को खुलवाया। मैं देख रहा था एक विश्वासी के बारे में, मैं गवाही सुन रहा था हरियाणा की, कि वहां पर मैं गांव में देख रहा था हरियाणा में के गांव है कि वहां पर जवान बच्चे पैदा होने के बाद बूढ़ा नहीं होता, जल्दी मर जाते हैं। और मैंने कहा, कह रहे यहाँ पर इस गांव में कोई बूढ़ा नहीं दिखाई देगा, मतलब अधिकतर बूढ़े उस गांव में नहीं दिखाई देते क्योंकि वो जल्दी मर जाते हैं। और उसी समय मैंने उनसे पूछा कारण क्या है, कहते कारण क्या है, कह रहे इस गांव वालों ने एक यीशु मसीह का कोई जन सुसमाचार सुनाने आया था और उन्होंने उसको इतना मारा और वो मर गया। और कह रहा अच्छा, कह रहा उस दिन के बाद, कह रहा कुछ सालों के बाद पता लगा इस गांव में डेथ ही बहुत होती हैं और आज भी कह रहे वो 11 साल हो गए हैं कि वहां पर लोगों को मालूम है लोग बसते नहीं हो शहर में। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कह रहे कि परमेश्वर से अपने लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद करवा दिया है। आज लोग नहीं जानते, कह रहे कि आज यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज जो कुछ के खिलाफ बोल रहे हैं या सोच भी रहे, मैं कह रहा हूं उसकी पीढ़ियों के लिए दरवाजा बंद हो गया, याद रखना। लेकिन अगर आज जो कह रहे हैं कि सच्चे मन से, चाहे आप पहली बार भी देख रहे हैं लेकिन यीशु मसीह की शक्ल देख रहे हैं, या चाहे आप फोटो देख रहे हैं, चाहे आप उसके वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है यीशु मसीह का दिल, मैं कह रहा हूं उसके कर्म अच्छे लग रहे हैं, उसके काम अच्छे लग रहे हैं, उसकी पवित्रता में चाल चलन अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी पीढ़ियों के लिए डोर खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और खुला है आपके लोगों के लिए, बेशक आपने बैप्टिज्म लिया या नहीं लिया, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं आए, मैं कह रहा हूं आपके लिए डोर नहीं खोलेगा मेरा परमेश्वर, आपकी पीढ़ियों में सदा डोर खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में। वो दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा, मैं कह रहा हूं वो दरवाजा आपके लिए कभी बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह की पहचान कर लिया है। लेकिन ये अनुग्रह का दरवाजा एक दिन बंद हो जाएगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। ये दरवाजा जब तक खुला है, जब तक यीशु मसीह यहाँ पर है, नूह को कहा कि जब तक करे के बाढ़ ना आए, करे तब तक ये दरवाजा खुला है, लेकिन उसके बाद बंद कर देना, कोई खोलने ना पाए। बहुत सारे लोग गए और दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन उस समय अनुग्रह का दरवाजा बंद हो चुका था। आज हो सकता है करे आज आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा खुला हो, लेकिन बहुत सारे लोग पश्चाताप नहीं कर रहे अपनी लाइफ के अंदर। बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में बोलता है, करे डोर मैं हूँ, जितने मेरे पास आएंगे, जितने मेरे डोर की बेल बजाएंगे, कह रहा है कि मैं उनके लिए अनुग्रह का दरवाजा खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप मांगते हैं आपको मिलता है, कह रहा है कि आज बहुत सारी अनुग्रह ही तो है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। यहाँ पर आ रहा है कि रसोलियां थी खत्म, आपने सुना यूएसए में, अरे ऑपरेशन में जवाब दे दिया और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर ने चंगा कर दिया। ये क्या है, ये अनुग्रह है, परमेश्वर ने दया कर दी उसके ऊपर। किसके कारण? मेरे कारण। मैंने कहा परमेश्वर दया कर इसके ऊपर और उसने दया कर दी। आपने देखा यहाँ पर 12 साल 15 साल 13 साल लोग आते हैं, लेकिन उनके लिए अनुग्रह बंद है। मैं कह रहा हूँ उनके लिए बंद है, उनकी कोख बंद है, कोई खुलवा ही नहीं सकता, कोई माइका लाल नहीं खुलवा सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ हो सकता है, कह रहा कि आप जाते हैं और बारह आप सुनते हैं किससे कहीं पर भी कि 20 साल 30 साल वो तुक्का है, परमेश्वर खोल देता है। मैं कह रहा हूँ लेकिन यहाँ पर एक तुक्का है, दो तुक्का है, एक नहीं है, मेरे पास 15,000 औरतों का रिकॉर्ड है जिनको बच्चे हुए हैं यहाँ से। आमीन।
आपको बताना मेरे 11 साल का रिकॉर्ड है ये। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर अनुग्रह का डोर उसने खोल रखा है। जब कोई मसीह व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो अपनी पीढ़ी के लिए दरवाजा खुलवाता है। याद रखना, आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चले हैं तो आज आपके लिए डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में आपके लिए खुला हुआ है। जिस दिन मसीह में आप आए उस दिन से परमेश्वर ने आप ही के लिए नहीं, आपकी संतान के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, सबके लिए डोर खोल दिया यीशु मसीह के नाम में।